हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम एवरीवन ऑन ई करियर पॉइंट नीट चैनल। और टाइम हो चुका है 1 से 2, और आप सभी को पता है कि 1 बजे की टाइम हमारा सेशन लाइव हो जाता है। तो जल्द से जल्द अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो और सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमें इवोल्यूशन चैप्टर की लेक्चर नंबर 8 देखनी है। तो सब जल्द से जल्द अब आ जाए, है ना? तो ओके, मीना इज देयर, हेलो मीना। यश इज देयर, हेलो। ओके, जल्द से जल्द अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो आप सेशन में, और सेशन को भी लाइक भी करना है ना, ताकि अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती हैं, तो फिर चीज़ों ये सेशन को आप लाइक भी करते जाएं। ओके, बायो मस्त मस्त, हाय अनमोल, हेलो पलक इज देयर, हेलो यश, हेलो राजेश शुक्ला, हेलो। तो सब आ जाइए, जल्द से जल्द आ जाइए सेशन में, क्योंकि अब हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना? तो ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून पलक, यस। चलिए जल्द से जल्द करना है। तो आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करनी है, दैट इज इवोल्यूशन में आज हमें बात करनी है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो हमने एविडेंसेस देखे, और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझा था, अब उससे हमें आगे बढ़ते हुए देखना है कि आखिर हमारी जो मॉडर्न एवोल्यूशन हो रही है वो किस तरीके से होती है, क्या थ्योरीज उसके साथ रिलेटेड है। मैंने 2 थ्योरीज आपको प्रीवियस क्लासेस में पहले भी बता रखे हैं। तो आज हम इन सब की कंटिन्यूएशन को देखते हुए नेचुरल सिलेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि व्हाट डज वी मीन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो आज की सेशन हमें इन सारी चीजों पे बात करना है। यस, सबके सब आ गए आरके, हेलो मीना, यस हैप्पी नवरात्र टू यू ऑल ऑल्सो। आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशीष हाय, यकूब हेलो, ओके यस यस पलक हैप्पी नवरात्रि, यकूब यस गुड आफ्टरनून, तुबा इज देयर हेलो, चलिए वेरी गुड, चल सबके सब आ गए हैं ना। ओके, काम सिंह कनेश गुड आफ्टरनून, चलो सबके सब अब आ रहे हैं। और आपके जो फ्रेंड्स अभी भी लैग कर रहे हैं, अभी भी पीछे रह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द सेशन को शेयर कर दो, लिंक को शेयर कर दो, और उनको जल्द से जल्द बता दो कि हाँ हमने क्लास स्टार्ट किया है। पूनम इज सेइंग सर प्लीज जेनेटिक्स पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ा देंगे, पहले इवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स, मैंने आपको बता रखा है कि जो आप जब आप सेशन अपलोड हो जाती है तो उसके कमेंट बॉक्स में अपने जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, उन चैप्टर्स को वहां पर जाकर के मेंशन कर दो। मैं जिन चैप्टर्स के लिए सबसे ज्यादा डिमांड आएंगे मैं उनको जरूर नेक्स्ट सेशन में लूंगा, यानी आफ्टर इवोल्यूशन उन्हीं चैप्टर्स पे बात करेंगे। तो अगर आप जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखो कि दैट यू वांट टू स्टडी जेनेटिक्स फ्रॉम मी, आप मेरे से अगर जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू राइट देयर, तो फिर मैं उस अकॉर्डिंग आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स चैप्टर ले लूंगा। ओके गुड, प्रवेश इज देयर गुड आफ्टरनून, ओके चलिए सब आ गए। सर इस चैप्टर का मेंटी कब है? बहुत जल्द मेंटी आने वाला है, क्योंकि आपको पता है लेक्चर नंबर 8 है, कल हमारी लेक्चर नंबर 9 होगी, एंड देन लेक्चर नंबर 10 में ह्यूमन इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, यानी इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो 10th लेक्चर तक में आपका क्या हो जाएगा, फिनिश होगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑन द 11th लेक्चर मीन्स लाइक लेक्चर नंबर 11th, तो आप ये चीज देख के चलो, आफ्टर 2 डेज यू विल बी हैविंग योर मेंटी, तो हम मेंटी के बारे में बात करेंगे। यस यकूब इज सेइंग टेलीग्राम लिंक, देखो टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है आरके नीट बायोलॉजी। तो आप जैसे ही उसको सर्च करते हो आरके नीट बायोलॉजी, यू कैन सर्च द, यू कैन फाइंड द पेज, और जब वो चैनल आपको मिल जाए तो आप उसको बस सब्सक्राइब कर लो। यस ओके, चलिए सबके सब रेडी हैं। तो देखो आज हम कुछ बात करेंगे, तो आपको पता ही है कि हम इवोल्यूशन की कौन से लेक्चर में है, लेक्चर नंबर 8 में। एक बात ध्यान से देखना, हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने की कोशिश की है, हमने इसको अधूरा नहीं समझा है, हमने हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश की है। इसलिए मैं ये सारे लेक्चर्स आपको एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करता हूं। तो जिन लोगों ने ई करियर पॉइंट नीट चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां के प्लेलिस्ट चैनल में जाओ, वहां के प्लेलिस्ट में जाकर के यू कैन फाइंड इवोल्यूशन। और जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी लेक्चर 1 to 7 है उनको जरूर देख लें आफ्टर दिस लेक्चर, तो आपको ये पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। तो जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनका 2021 में नीट है, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं तो एनसीईआरटी से पढ़कर इवोल्यूशन समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों ने ये कंप्लेन किया था और बहुत सारे बच्चों ने मुझे डिमांड भी किया था इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने उनके डिमांड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को स्टार्ट किया, और मैंने इस चैप्टर में आपको वो पूरा कंटेंट दिया जो कि आपको एक क्लासरूम के अंदर मिलना चाहिए था। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ई करियर पॉइंट इज प्रोवाइडिंग यू कोटा क्लासेस एट योर होम, आपके घर पर क्या हो रही है, कोटा की क्लासेस आपके घर पे पहुंचाई जा रही है, दैट्स द एडवांटेज विच यू ऑल आर गेटिंग। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान देना, और हमारी इस एफर्ट की वजह से ही यू कैन सी दैट वी हैड प्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट रिजल्ट इन द वेरी फर्स्ट ईयर, में हमने अच्छे रिजल्ट दे दिया है। वी हैव प्रोड्यूस्ड 4 रिजल्ट्स इन द टॉप 100 कंडीशन, टॉप 100 में
फोर रिजल्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, एंड यू कैन सी द कंपैरिजन चार्ट कि व्हाट द ई करियर पॉइंट इज प्रोवाइडिंग एंड व्हाट द अदर चैनल्स आर प्रोवाइडिंग. यू कैन सी द रेटिंग्स, वी हैड अ वंडरफुल रेटिंग. ओके, तो ये सारा कुछ इसलिए हो पा रहा है बिकॉज कि आप सब अगर डेडिकेटली इन चीजों को फॉलो कर पाओगे तो फिर अच्छा रिजल्ट भी होगा और आप अच्छे से चीजों को पढ़ सकेंगे. यस, एवरीवन इज सेइंग सर अगला चैप्टर जेनेटिक्स को लेना प्लीज. तो ओके, आई विल टेक द जेनेटिक्स, पर उसके लिए मैंने आपको बता रखा है क्राइटेरिया. तो है क्राइटेरिया, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको भी ये बात पता चले कि हाँ कौन से चैप्टर्स की डिमांड ज्यादा थी, एंड अकॉर्डिंगली आई विल पिक द चैप्टर्स. तो ये काम करना है. तो देयर शुड बी सम कॉम्पिटिशन इन यू ऑल्सो, आप सबके अंदर भी वो कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि कौन सी चैप्टर हमें पढ़नी है, उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे. यस इज सेइंग योर चैनल इज बेस्ट, यस इट इज द बेस्ट वन, बिकॉज हम इस चैनल पर आपको कोटा की एजुकेशन जो है उसकी रेप्लिका आपके घर तक पहुंचा रहे हैं. एंड कोटा एजुकेशन यू ऑल नो इज द सिनोनिम्स फॉर द रिजल्ट. आपके रिजल्ट के लिए कोटा की एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है और आपके घर पर एस इट इज कोटा की एजुकेशन सिस्टम आपके घर तक पहुंचाई जा रही है. तो दैट्स वाई दिस चैनल इज विल दिस चैनल डिजर्व्स अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू ऑल. आप सबसे बहुत ज्यादा लव एंड सपोर्ट की जरूरत हमें है. ओके, तो चलिए इन बातों को समझना है. आप सबको बता दूं कि हमने टारगेट नीट 2021 यानी कि आपकी जो मई में नीट होने वाली है, टारगेट नीट 2021, उसके लिए हमने कोर्स अनाउंस कर दिया है विच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 28th October. इस डेट को सबके सब माइंड कर लो, 28th October का हमारा ये हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसको हमने नाम दिया टारगेट नीट 2021, ठीक है, जिसकी कोर्स भी ओनली 19,999 है. बहुत ही कम प्राइस में आपको ये अवेलेबल हो रही है, 19,999. और इसके साथ आपको मिलता क्या है, इसके साथ आपको 11,500 का स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है. तो आपके लिए सेविंग ही सेविंग है और साथ के साथ क्वालिटी एजुकेशन भी है. तो बोथ थिंग्स आर कमिंग ऑन योर वे, आपके पास दोनों चीजें आ रही हैं. तो आप जरूर से जरूर इस कोर्स को परचेज करें ताकि आपकी नीट की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको कर सकें. एंड यू कैन ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी ऑफ टॉप 100 रैंकर्स, यानी कि आप टॉप 100 रैंकर्स के कैटेगरी में आ सको. तो ये काम हमें करना है, इसके लिए हमें क्लासेस को करते दौरान इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर लेना है ताकि हमारी क्लासेस बहुत ही सूदिंग चले. समझ में आ रहा सबको? यस, थैंक यू फॉर दैट पूनम, थैंक यू यश. यस, वी आर डूइंग अ वेरी हार्ड एफर्ट फॉर यू. हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी रिजल्ट हम अच्छा करा सकें और आप अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ सके. अब आप जब इन सेशंस को देखते हो तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ थिंग कि अगर आपको यूट्यूब पे जो फ्री एजुकेशन आप ले रहे हो, आप चीजें ले रहे हो, तो यू कैन डिमांड चैप्टर्स फ्रॉम मी. कौन से चैप्टर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया व्हाट यू कैन डू. यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, सेशन के बाद जो कमेंट बॉक्स होती है उसके अंदर जरूर लिखें कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं. और सेशन के खत्म होने पे अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो सेशन को लाइक तो करना ही है, इसको शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में आपकी एप्रिसिएशन भी दिखनी चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट. यस शिवानी, गुड आफ्टरनून. तो सबके सब आ गए जल्द से जल्द, लेट मत हुआ करो, लेट जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करना है क्योंकि हम बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चीज के लिए अगर आपको डिटेल्स देखना है तो यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज द ecareerpoint.com. ecareerpoint.com पे आप जा सकते हो, वहां पे भी चीजों को आप विजुअलाइज कर सकते हो. और यू कैन इधर कॉल अस ऑन 07446630500. दिस इज आवर नंबर जिसपे भी आप कॉल करके चीजों के बारे में डिटेल आप पता कर सकते हो. सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू फॉलो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन फॉर टूडे. आज की टॉपिक हम आज स्टार्ट करने अब जा रहे हैं. सो कमिंग टू द टॉपिक, चलिए करते हैं बात. ओके, सो आज देखो हमें पढ़ना क्या है. आपको बताया मैंने कि आज की जो टॉपिक है, थंबनेल में भी आप देख रहे हो नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, पर नेचुरल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है. आप सभी को मैंने बताया था कि एविडेंसेस में हमें कुछ होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में पता चला था और कुछ एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पता चला था. यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कर दिया हमने. यस आई एम वेरी फाइन दुष्यंत. चलिए सबके सब रेडी भी हो जाइए और जितने जल्दी सर टाइम मैनेजमेंट पे सेशन कब करवाओगे? बिल्कुल कराएंगे. मैं आपको इसलिए तो कह रहा कि आप कमेंट बॉक्स में इन चीजों को जरूर मेंशन करो ताकि हम उस अकॉर्डिंग चीजें प्लान कर पाए. तो आप जब कमेंट बॉक्स में चीजें मेंशन करते हो तो हमें ऐसा फील होता है दैट यू रियली रिक्वायर दोस काइंड ऑफ सेशन. और जब ऐसे सेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर जरूर करेंगे. सच में सर बहुत ही स्मूथली लर्न हो गया. पूनम इज सेइंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत ही स्मूथली लर्न हो गया. थैंक यू फॉर दैट.
हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को बहुत स्मूथली लर्न कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इवोल्यूशन स्टार्ट करते दौरान ही कहा कि आपको मैं एक स्टोरी फॉर्म में चीजें समझाऊंगा, लेकिन एक कंप्लीट सीक्वेंस में होगा। और सीक्वेंस में होने का फायदा क्या होगा कि ये स्टोरी आपको कहीं ब्रेक नहीं होता हुआ नजर आएगा और आप बहुत ईजिली चीजें समझोगे। आज भी देखना, आज के सेशन में हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट समझेंगे एंड देन वी विल मूविंग ऑन दिस कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन के कोर्स पे हम मूव करते करते ह्यूमन इवोल्यूशन तक पहुंचेंगे और ह्यूमन इवोल्यूशन समझ करके हम इस चैप्टर को क्लोज भी करेंगे एंड देन इट विल बी फॉलोड विद बाय मेंटी क्विज। मेंटी क्विज भी है, सचिन है, गुड आफ्टरनून सचिन। ओके चलिए सब कोई सब अब रेडी हो जाते हैं, अब सेशन को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में समझते हैं, है ना, और इंजॉय भी करते हैं सेशन को विद द ब्यूटिफुल पिक्चर्स विच विल बी कमिंग ऑन द स्क्रीन। चलिए करते हैं हम बात डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो हम अब यहां पर बात ये कर रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थी उसके अंदर हमने सबसे पहले एविडेंसेस देखा था, जिससे हमने प्रूफ लिया कि शायद सबसे ज्यादा जो थ्योरी एक्सेप्टेबल हुई दैट इज द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बातें आपको अब मेरे ख्याल से याद हो जानी चाहिए कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या कहता था। द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहता था दैट वी हैड अ कॉमन एंसेस्ट्री, हमारे पास एक कॉमन एंसेस्ट्री थी। ठीक है, मैंने एविडेंसेस के दौरान आपको होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में भी समझाया था। होमोलोगस ऑर्गन्स में मैंने आपको कहा था कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं ये ओरिजिन वाइज या एनाटॉमिकली सेम होते हैं बट फंक्शनली ये डिफरेंट होते हैं, और ऐसा इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा। डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंट का मतलब हुआ कि मान लो ये एक ओरिजिन पॉइंट है, मान लो ये एक ओरिजिन पॉइंट है और इस ओरिजिन पॉइंट से दिस इज द ओरिजिन पॉइंट और दिस ओरिजिन पॉइंट से अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, ठीक है, रेडिएट कर रही हैं, आपने पढ़ा है डाइवर्जिंग रेस के बारे में आप जानते हो। तो अगर एक ओरिजिन पॉइंट से जस्ट सपोज दिस इज अ ओरिजिन पॉइंट और इस ओरिजिन पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में अगर चीजें जा रही हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन्स एनाटॉमिकली तो सेम थे, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को दिखा रहा था, यानी कि एक कॉमन एंसेस्ट्री हमारे पास था और उस कॉमन एंसेस्ट्री से फंक्शनल डिफरेंसेस की वजह से, हैबिचुअल डिफरेंसेस की वजह से वो क्या हो गए? डिफरेंट डायरेक्शंस में इवॉल्व हो गए, उसी को हम कह रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नाम सुनते ही आपको समझ जाना है एक कॉमन ऑरिजिन होगा जो कि कॉमन एंसेस्ट्री है और वहां से चीजें क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे एंड दैट विल बी नोन एज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको यह भी याद रखना है कि जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वो अडैप्टिव रेडिएशन को भी शो करेगा। अब अडैप्टिव रेडिएशन के कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज द ऑस्ट्रेलियन फिंचेस। कौन सी फिंचेस? ऑस्ट्रेलियन फिंचेस। ऑस्ट्रेलियन फिंचेस एक ब्लैक बर्ड होती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया आइलैंड में मिलता है। तो हमें इसके बारे में समझना है कि कैसे ये गैलपेगोस आइलैंड में ये मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं फिंचेस, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलियन फिंचेस के बारे में। तो आप सबको अगर याद हो तो मैंने बताया था डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए पूरे वर्ल्ड का टूर कर रहे थे एक शिप के ऊपर। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट शिप? इन द चैट बॉक्स आई वांट टू हियर द आंसर। यस, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट शिप ऑन व्हिच डार्विन वाज मेकिंग द सी वॉयेज? यस, जल्दी बता दीजिए आप सभी, कौन सी वो शिप थी जिस पे डार्विन सी वॉयेज कर रहे थे? यस देविका, गुड आफ्टरनून। ओके विक्रांत इज ऑल्सो देयर। चलिए HMS, वेरी गुड विक्रांत, वेरी गुड विक्रांत। यस, इट वॉज HMS वीगल, याद आ गया सबको। HMS वीगल वॉज द शिप जिसपे ट्रेवल कर रहे थे डार्विन, और जब डार्विन इससे ट्रेवल कर रहे थे तो वो पहुंचे कहां? वो पहुंचे साउथ अमेरिका, जहां पर एक आइलैंड था जिसका नाम था गैलपेगोस आइलैंड। अच्छा, ये जो गैलपेगोस आइलैंड था ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना था, लगभग 22 आइलैंड से मिलकर बना था। तो याद रखना गैलपेगोस आइलैंड 22 स्मॉल आइलैंड से मिलके बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये अडैप्टिव रेडिएशन हुआ। तो याद क्या क्या पॉइंट रखना है? डार्विन सी वॉयेज पे थे, HMS वीगल शिप पे थे, और वहां से वो कहां गए? वो गए गैलपेगोस आइलैंड जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है, और वहां पर जो गैलपेगोस आइलैंड है उसमें 22 छोटे आइलैंड्स भी मौजूद थे। ठीक है, वो 22 छोटे आइलैंड्स से मिलकर बनता था। वहां पे उन्होंने एक स्पेशल काइंड ऑफ बर्ड को देखा जिसको उन्होंने आगे चल के हम उसे डार्विन फिंचेस कह रहे हैं। तो उस बर्ड को उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि उस बर्ड वहां पर जो बर्ड्स थे वो सारे सिमिलर थे अपीयरेंस में, पर उनकी जो वीक्स थी ना उनके वीक्स में मॉडिफिकेशन थी, डिफरेंस थी। उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने ये देखा
कि ये सारे एक कॉमन एंसेस्ट्री से ओरिजिनेट किए, ये सारे की ओरिजिनेशन जो थी एक कॉमन एंसेस्ट्री थी, और कॉमन एंसेस्ट्री क्या थी कि ये सारे एक ऐसे सीड ईटिंग हैबिटेट को बिलोंग करते थे। यानी यहां पे हमें समझना है कि जो डार्विन फिंचेस थे उनकी कॉमन एंसेस्ट्री स्टार्ट, उनकी जो एंसेस्ट्री थी वो कैसी थी, दे वर हैविंग द हैबिट ऑफ सीड ईटिंग, उनकी सीड ईटिंग की हैबिट थी। तो ओरिजिनली दे वर हैविंग द हैबिट ऑफ सीड ईटिंग, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ इनके बीच में कॉम्पिटिशन हुआ होगा, ठीक है, और कॉम्पिटिशन की वजह से रिसोर्सेज लिमिटेड है, कॉम्पिटिशन हो रही है, तो इनमें से कुछ लोग तो सर्वाइव कर रहे होंगे, कुछ लोग क्या हो रहे होंगे, खत्म हो रहे होंगे। तो एक जरूरत पड़ी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने फूडिंग हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं सर्वाइव करना चाहता हूं तो फूडिंग हैबिट को चेंज करो, नहीं तो फिर जो ज्यादा ताकतवर है वो उस रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर पा रहा था, बाकी क्या हो रहे थे, बाकी खत्म हो रहे थे। तो वो समय आ सकता था कि ये एक्सटिंक्ट कर जाते, खुद में ही लड़ करके खुद ही मर जाते और वो खत्म हो जाते। पर डार्विन फिंचेस, यानी कि जो फिंचेस की हम बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात करें, इनके अंदर एक सेंसिबिलिटी आई, इन्होंने क्या किया कि उस कॉमन रिसोर्सेज के लिए जो लड़ाई थी उसको ही खत्म कर दिया, इन्होंने अपने रिसोर्सेज को ही पार्टीशन कर लिया, इन्होंने अपने रिसोर्सेज ही बदल दिए, ठीक है। नतीजा क्या हुआ कि कुछ बर्ड्स तो सीड ईटिंग थे, वो सीड ईटिंग ही रह गए, कुछ क्या हो गए, इंसेक्टिवोरस बन गए, यानी वो इंसेक्ट्स पे फीड करने लगे, कुछ जो थे वो वीड्स पे फीड करने लगे, और इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स उनमें डेवलप हो गया। कुछ बर्ड्स पे फीड कर रहे थे, कुछ कैक्टस पे फीड कर रहे थे, यानी उन्होंने अपने फूड हैबिट्स को बदल लिया। अब जब फूड हैबिट्स बदलेंगे तो उनकी जो बीक है उसकी मॉडिफिकेशंस भी तो बदलनी पड़ेगी, तो बीक की मॉडिफिकेशन भी बदल गई। तो यहां पर हम सब ने क्या देखा, हमने देखा कि एक कॉमन एंसेस्ट्री थी, उस कॉमन एंसेस्ट्री से डिफरेंट डायरेक्शन में इन फिंचेस ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। इसलिए हम इसको कह रहे हैं अडैप्टिव रेडिएशन, यानी एक यानी कि अकॉर्डिंग टू द अडैप्टेशन, है ना, एक कॉमन एंसेस्ट्री अकॉर्डिंग टू द अडैप्टेशन अपने आप को रेडिएट कर रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में, एंड दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन अडैप्टिव रेडिएशन। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यस, सबको ये बात समझ में आ गया तो जल्द से जल्द बता दो कि हाँ, ये डार्विन फिंचेस वाली कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगी, क्यों डार्विन फिंचेस अडैप्टिव रेडिएशन शो करता है। यस दुष्यंत सिंह, यस सर समझ में आ गया। तो ये आपका एक एग्जांपल अडैप्टिव रेडिएशन का, आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, देन फर्स्ट एग्जांपल आई हैव शोन यू, दैट इज द डार्विन फिंचेस, ठीक है, याद रखना। यस सचिन सिंह, समझ में आ गया, गुड गुड गुड। प्रवेश, यस सचिन, ओके। विक्रांत सिंह, क्लियर सर। सर इन अडैप्टिव रेडिएशन, सुदर्शन इज आस्किंग, सर इन अडैप्टिव रेडिएशन विल ऑर्गेनिज्म मूव टू डिफरेंट एरियाज? यस, इन अडैप्टिव रेडिएशन हैबिटेट्स भी बदलते हैं, लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पे हम गैलापागोस आइलैंड की बात कर रहे थे और वहां पर ही चीजें क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स के बदलने की वजह से वहां पे चीजें चेंज हो रही थी। तो अडैप्टिव रेडिएशन यहां पे जो रहा वो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में ही हो रहा है, लेकिन सेम ज्योग्राफिकल एरिया में भी थोड़ी सी आइसोलेशन आ जाती है क्योंकि वहां पे आपके जो एनवायरमेंट्स है वो बदल रहे हैं। तो दैट्स द कंडीशन विच वी हैव टू डिस्कस इन दैट अडैप्टिव रेडिएशन। यस हेमंत, ओके। तुबाई सिंह, यस ओके। मीना हैज आल्सो अंडरस्टूड। तो सबके सब इन बातों को समझ गए, बायो मस्त मस्त हैज आल्सो अंडरस्टूड। तो चलिए, सबको ये चीजें समझ में आ रही है, तो चीजें समझ में आए, चीजें आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें सेशन को। सेशन को आप जब लाइक कर रहे हो तो हमें भी एनर्जी मिलती है, आपके थ्रू जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वो आपकी लाइक ही होती है, जो आपकी लाइक हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। चलिए, सबको समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ओके, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ऐसे एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, अडैप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री रही थी और इस कॉमन एंसेस्ट्री से डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, वो सारे मार्सुपियल्स ही, पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्सुपियल्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख लो, अगर मार्सुपियल एडिशन में हम बात करें तो तस्मानियन वुल्फ बन गया, टाइगर कॉर्ड, बैंडेड एंटीटर, तो इन सारे के बारे में अगर हम देखें, कैंगरू इज देयर, बॉम्बैट इज देयर, मार्सुपियल रैट इज देयर, तो इन सारे के ऊपर बारे में हम जब देखें तो ये सारे कॉमन ऑरिजिन से क्या हो रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। तो हमने बात कही थी अडैप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, अडैप्टिव रेडिएशन में एक कॉमन ऑरिजिन होता है जो कॉमन एंसेस्ट्री बनाता है,
और इस कॉमन एंसेस्ट्री से अकॉर्डिंग टू द हैबिचुअल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस, ये क्या करते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में. सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एज वेल एंड द अडैप्टिव रेडिएशन. सो मार्सुपियल्स भी यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी एनिमल जो है वो क्या शो कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो शोइंग द अडैप्टिव रेडिएशन. अनदर एग्जाम्पल, यस समझ में आ गया यहां तक बात, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को, किसी को कोई तकलीफ यहां तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे. ओके, अनदर एग्जाम्पल यू आर हैविंग इज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन मैमल्स. प्लासेंटल मैमल्स में अगर हम बात करें तो प्लासेंटल मैमल्स में भी हमें क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिख रहा है अडैप्टिव रेडिएशन. और ये किस बेसिस पे दिख रहा है, इट इज बेस्ड ऑन लोकोमोशन. देखो कॉमन एंसेस्ट्री दिखाई दे रही है, इस कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ये एंसेस्ट्री जो है इनकी वो इंसेक्टिवोर थी, तो इनके अंदर जो वॉकिंग हैबिट थी वो डिफरेंट थी, और अकॉर्डिंग टू दैट क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की वजह से ये भी क्या हो गए, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो गए, रेडिएट कर गए. जैसे आर्बोरियल हो गए जो पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है, आर्बोरियल ग्लाइडिंग वाले हो गए जैसे फ्लाइंग स्क्विरल्स हो गए, इसके अलावा फ्लाइंग बैट्स बन गए, कुछ बन गए क्या आर्बोरियल क्लाइंबिंग स्क्विरल्स बन गए, तो इस तरीके से वॉकिंग करने वाले एलिफेंट्स बन गए. तो इस तरीके से कॉमन एंसेस्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की वजह से डिफरेंट एनिमल्स का फॉर्मेशन होने लगा. सो दिस आल्सो शोज, ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी शो आपको कर रहा है एक अडैप्टिव रेडिएशन. दिस इज आल्सो शोइंग यू अडैप्टिव रेडिएशंस. समझ में यहां तक आ गया, यहां तक की चीजें क्लियर हो रही हैं? यस क्लियर हो रहा है तो बताइए आप सभी की, हाँ यहां तक की बातें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, क्लियर है सबको, जल्दी बता दो ये चीजें अगर क्लियर हो रही हैं तो मुझे आपके चैट बॉक्स में दिखना चाहिए कि हाँ ये तीनों एग्जांपल्स हमें याद हो गए, कि अडैप्टिव रेडिएशंस के तीन एग्जांपल्स हमें याद हो गए. एक तो डार्विन्स फिंचेस था, कैसे था वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मार्सुपियल्स थे, और इसके अलावा अडैप्टिव रेडिएशन में आपके पास प्लासेंटल मैमल्स भी बन गए. यस ओके क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना, समझ में आ गया? यस सबको क्लियर हो गई ये चीजें, तो ये बातें आपने क्लियर कर लिया और इस तरीके से हमने देखा. अब देखो यहां से हम मूव करेंगे, यहां से हम मूव करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. ओके चलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं. तो देखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बात करने से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा उनको देख लो. होमोलॉगी फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स इंडिकेट द इवोल्यूशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, यानी होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती है. होमोलॉजी किसको शो कर रही है, कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रही है. इसके अलावा होमोलॉजी क्या दिखाती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाती है. होमोलॉजी से हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ में आता है, ठीक है. इसके अलावा स्पीसीज विच हैव डाइवर्ज आफ्टर ओरिजिन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर गिविंग राइज टू न्यू स्पीसीज अडेप्टेड टू न्यू हैबिटेट्स एंड वेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन. देखो अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन अब तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप कैसे अडैप्टिव रेडिएशन को समझा सकते हो, आप सीधा से बात कहोगे कि अडैप्टिव रेडिएशन का मतलब हुआ एक कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी और डिफरेंट हैबिटेट्स की वजह से, डिफरेंट फंक्शनैलिटी की वजह से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, और ये सारे न्यू स्पीसीज एक कॉमन एंसेस्ट्री से बन रहे हैं, इसलिए दिस इज डिफाइंड एज अडैप्टिव रेडिएशन. दिस इज व्हाट वी नो एज अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन इसको ही हम कह रहे हैं. चीजें क्लियर हो गई, सबको समझ में आ रहा है? यस yes? आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई तकलीफ इसमें होना नहीं चाहिए. अडैप्टिव रेडिएशन आपको समझना चाहिए, ये डेफिनेशंस आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम इन चीजों को समझ सकते हो. तो इसलिए हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्ट्री की बात करते रहते हैं, ध्यान देना इस बात को. यस समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया? यस सबके सब बोल रहे हैं क्लियर है. ओके गुड, तो यहां तक बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, चीजें बिल्कुल समझ में आ गई हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेशन लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, आपके फ्रेंड्स सेशन को अटेंड करने चाहिए, ठीक है. तो आप सभी को ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें अपने फ्रेंड्स को भी इन चीजों को बताना है ताकि वो भी चीजें ग्रैब कर सकें और फिर हम आपस में अच्छा एक ग्रुप डिस्कशन कर सकें. फॉर द ग्रुप डिस्कशन आई हैव सेड यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज द आरके नीट बायोलॉजी, वो लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो. वहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म भी करता हूं और आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनको भी मैं लेता हूं, तो वो वहां पर भी आप चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके चलिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. मूविंग टू द नेक्स्ट, सी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा डाइवर्जेंट का. डाइवर्जेंट क्या कह रहा था, डाइवर्जेंट कह रहा था कि कॉमन ऑरिजिन है और यहां से चीजें रेडिएट कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रेडिएट कर रही. कन्वर्जेंट क्या कहता है, कन्वर्जेंट कहता है अगर मान लो दो डिफरेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहे हैं, पर उनके अंदर एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, यानी ये वापस लौट के एक पॉइंट, जैसे इस बात को समझना, अगर किसी एक ओरिजिन से चीजें रेडिएट हो रही हैं
तो ओरिजिन से चीजें रेडिएट होंगी तो वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। तो एक ओरिजिन से अगर चीजें रेडिएट होंगी तो डाइवर्जेंट, लेकिन जब ये दूर जाएगा तो किसी के तो पास भी तो आएगा ना, तो जब ये किसी के पास आएगा तो उनके बीच में फंक्शनैलिटी सिमिलैरिटी, फंक्शन सिमिलैरिटी दिखने को मिलेगा, यानी उनके फंक्शन सेम होंगे, उनकी अपियरेंस सेम होने लग जाएगी, तो यानी वहां पे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को देख पाएंगे। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हम समझ कैसे सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि इनके एंसेस्टर्स तो डिफरेंट है, इनके एंसेस्टर्स तो डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर सिमिलर अपीयरेंस दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने एक कॉमन हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइवल ये करा रहे हैं। तो कॉमन हैबिटेट में क्योंकि इनकी सर्वाइवल हो रही है, इसलिए इनके फंक्शन, इनके अपीयरेंस सेम हो जाएंगे, जबकि इनका एंसेस्टर डिफरेंट है, तो वैसे इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आ गया? यस, मिलिंद सिंह, दूर से एक जगह मिलना, वेरी गुड, यस दैट इज द थिंग विच वी वर डिस्कसिंग अबाउट, कि अगर ये दूर गए हैं तो फिर वो किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, दैट इज, यस सर। तो ये बात सबको समझ में आ गई, यहां तक ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि डाइवर्जेंट सॉरी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस तरह से यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो दिस इज वॉट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब यहां पे देखो प्लासेंटल मैमल्स, आप सबको याद आ जाना चाहिए, प्लासेंटल मैमल्स, अगर अकेले प्लासेंटल मैमल्स की बात करूं तो ये किसको दिखा रहा था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दिखा रहा था, जहां पे हमने देखा कि कॉमन ऑरिजिन और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बन रहे थे, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करें तो मार्सुपियल्स के अंदर भी हमने क्या देखा कि मार्सुपियल्स के अंदर भी हमें देखने को मिला कि वहां पर भी अडैप्टिव रेडिएशन, जब इंडिविजुअली देख रहे थे तो वहां भी हम अडैप्टिव रेडिएशन देख रहे थे, लेकिन प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जब कॉमन हैबिटेट में नजर आते हैं तो वहां पर इनके बीच में एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखता है। जैसे एक प्लासेंटल मोल जो है वो मार्सुपियल मोल्स की तरह नजर आता है, मार्सुपियल मोल्स की तरह वहां पे वो नजर आएगा। पॉइंट ये समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। तो ये चीजें समझना है कि एक मोल जो है वो किसकी तरह नजर आ रहा है, मार्सुपियल मोल की तरह नजर आता है। इसी तरह से जो वुल्फ है वो तस्मानियन वुल्फ की तरह दिखता है। इसको मैं क्लैरिटी में आपको दिखा दूं, देखो यहां ध्यान से, तो आपको इन दोनों ही वुल्फ्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, दोनों के हैबिट्स सेम है, दोनों के फंक्शन सेम है, और इसलिए यहां पर हमें सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। इनके बीच में क्या सिमिलर दिख रहा है, सिमिलैरिटीज दिख रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जबकि इनके एंसेस्टर्स क्या है, डिफरेंट है, एक प्लासेंटल है, एक क्या है, मार्सुपियल है, तो प्लासेंटल और मार्सुपियल होने की वजह से इनके एंसेस्टर्स डिफरेंट है, और जब एंसेस्टर्स डिफरेंट है तो हम यहां पर चीजें देख रहे हैं कि इनके जो पैटर्न है, इनके जो फंक्शंस हैं, वो अपियरेंस वाइज सेम दिख रहे हैं। सो दिस इज वॉट इज डिस्कस्ड इन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मेरे ख्याल से डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की सारी जो डिफिकल्टी थी वो आपकी क्लियर हो गई है, आपको समझ में भी आ गया है कि व्हाट डज वी मीन बाय कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया, टू स्पीसीज मूविंग टुवर्ड्स सेम डेस्टिनेशन, यस विक्रांत करेक्ट वन, की दो डिफरेंट स्पीसीज जो है डिफरेंट एंसेस्टर्स के वो किसी कॉमन हैबिटेट की तरफ जब मूव करते हैं तो उनकी जो अपियरेंस दिखती है दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस सही बात है, क्लियर हो गया सबको, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में किसी तरह का कोई दिक्कत, अडैप्टिव रेडिएशन भी आपको क्लियर हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो इनके इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप अपने नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहां पर इन चीजों को बिल्कुल क्लियर रखना है। चलिए सबको समझ में आ गया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, किसी को कोई तकलीफ यहां तक नहीं है, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दैट। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ यहां तक बातें क्लियर हो गई, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो जल्द से जल्द मुझे दिखने चाहिए आपके थम्स अप के साइन, ओके यस सर, गॉट इट, ओके। चलिए सबको समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, आगे बढ़ेंगे, पर टॉपिक जब समझा है तो थोड़ा सा उसमें हम पॉज लेंगे, ताकि आपको एक टॉपिक सैचुरेट हो सके, ताकि दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। यकूब इज आस्किंग व्हाट इज सॉल्टेशन, बात करेंगे सॉल्टेशन पे जब हम आएंगे म्यूटेशन थ्योरी पे, तो वहां पे मैं आपको सॉल्टेशन समझाऊंगा, ठीक है। सॉल्टेशन ऐसे मैं बता दूं, सॉल्टेशन होता है जब जैसे कैंगरूज के अंदर सॉल्टेशन मूवमेंट आप देखते हो, या फिर आप अगर मान लो यहां बैठो और आप जंप करके दूसरे जगह चले जाए, तो आपने क्या किया, जंपिंग किया, आपने चीजों को ये जल्दी से अचीव किया, तो दैट इज द सॉल्टेशन मूवमेंट, सॉल्टेटरी मूवमेंट उसको कहते हैं, और सॉल्टेशन के बारे में हम आगे भी देखेंगे म्यूटेशन के अंदर। यस सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, सबके थम्स अप के साइन मुझे दिख रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड कि आप सबको चीजें समझ में आ रही है। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक भी करें, ठीक है। चलिए आ जाते हैं न्यू टॉपिक पे, दैट इज द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो न्यू तो ये है नहीं, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, तो देखते हैं कितनों को याद है, कितने हैं जो कि फर्स्ट सेशन से चीजों में जुड़े हुए हैं और उनको ये सारी बातें याद हैं, वो अभी हमें यहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से चीजें, बिल्कुल ध्यान से समझना,
ठीक है, तो यहां पे अब हमें क्या बात करनी है, थ्योरीज पे बात करनी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कौन कौन से थ्योरीज थे, मैंने आप सबको लेमार्किज्म समझा दिया था, तो मुझे जल्दी से बता दो लेमार्किज्म क्या बात करता था। लेमार्किज्म में हमें क्या पता चलता था, फर्स्ट गिव मी द आंसर, लेमार्किज्म में हमें क्या बात पता चली थी, क्या कहता था लेमार्किज्म थ्योरी अबाउट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वेरी गुड विक्रांत, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यस, लेमार्किज्म कहता है के अंदर हमने देखा था कि जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज होगा वो क्या होगा, वो इनहेरिट हो जाएगा और वो अगले जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी आई थी दैट वॉज फ्रॉम लेमार्क, पर लेमार्क की थ्योरी में साइंटिफिक बैकग्राउंड बहुत ही लैक कर रहा था, बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, इसलिए लेमार्क की थ्योरी को हमने माना नहीं था। तो हमें पता है कि लेमार्क की थ्योरी यूज एंड मिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पे बात करता है। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ लेमार्किज्म में हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले ही पढ़ रखा है। लेमार्किज्म के बाद क्या आया था, डार्विनिज्म आया था, जो डार्विन ने दिया था। और डार्विन किस बात पे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे थे, गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। जिन लोगों ने क्लास किया उनको तो बिल्कुल याद होना चाहिए, डार्विनिज्म में किस चीजों के ऊपर बात की गई थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। यस, लेजी स्ट्रेस और इंटरनल फोर्स, यस दैट वाज ऑफ लेमार्किज्म, करेक्ट अभिषेक। ओके, पूनम इज सेइंग वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरी गुड। वेरिएशन एंड हेरिडिटी पे बात तो किया था पर एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाई थी। नेचुरल सिलेक्शन, गुड गुड गुड, यस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस विक्रांत करेक्ट। यश इज ऑल्सो सेइंग करेक्ट नेचुरल सिलेक्शन, सो यस याकूब नेचुरल सिलेक्शन, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पे हमें देखना है कि डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन किस पे बात करते थे, डार्विन ने बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था रैपिड रिप्रोडक्शन होती है, उन्होंने कहा था कि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है पॉपुलेशन की, याद आ जाना चाहिए। जिन लोगों ने ये चीजें मिस की हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर के चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा उन्होंने कहा था वेरिएशंस हैं, डायरेक्शनल चेंजेस है, उन्होंने कहा था ना ग्रेजुअल इवोल्यूशन होती है, मतलब कि इवोल्यूशन एक लगातार मैनर में, कंटिन्यूअस मैनर में हो रही है। और यहां पर उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो चेंजेस है वो काफी छोटे हैं, स्मॉल हैं, और ये ग्रेजुअली चेंज करते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें डार्विन की कही हुई थी, जिसको आगे चल करके हमें पता ये चला डार्विन की बातें सही तो थी पर कहीं ना कहीं लूपहोल्स थे, कहीं ना कहीं गलतियां थी, जिसको हमने अपने टॉपिक में क्रिटिसिज्म के तौर पे पढ़ा था, जहां पे हमने कहा था कि जो सबसे बड़ी गलती डार्विन से हुई थी वो यही हुई थी कि उन्होंने ये तो वो बात बोलते थे कि कोई ऐसा चीज है जो आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है और इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशन ट्रांसफर हो जाते हैं, पर वो वेरिएशन आ कैसे रहे थे, वो हेरिडिटरी का पैटर्न क्या था, ये उनके समझ से पड़े थी और इसलिए उन्होंने इस चीज को समझा भी वो पाए नहीं पाए थे। और इसलिए हमने डार्विनिज्म में कुछ गलतियां देखी, कुछ खामियां देखी और उनको समझने के लिए हमें आगे चल के न्यू डार्विनिज्म समझना पड़ा, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, बात करेंगे हम उनके ऊपर, ठीक है। तो डार्विनिज्म आप सबको याद आ गया, जिन लोगों ने क्लासेस कर रखा है उनको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और थ्योरी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे, दैट वाज द म्यूटेशन थ्योरी। आप में से बहुत लोग बहुत देर से मुझे म्यूटेशन थ्योरी के बारे में पूछ रहे हो, तो म्यूटेशन थ्योरी अब मैं आपको समझाता हूं और यहां पे आप इसके बारे में समझोगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्द से जल्द सेशन को लाइक करते चल जाएं, ताकि आपको मैं म्यूटेशन थ्योरी फिर बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं और चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर कर पाऊं कि व्हाट वाज म्यूटेशन थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी क्या बात कहना चाहती थी जो डार्विन से अलग हो रही थी, ठीक है। और क्या हमने म्यूटेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं इसके ऊपर हम बात। चलो, तो बात करने से पहले, म्यूटेशन थ्योरी से बात करने से पहले हमें यह देखना है कि लेमार्क और डार्विन में क्या अंतर था, लेमार्क की बातें और डार्विन की बातों में क्या अंतर था। छोटा सा रिकैप है, जल्द से जल्द समझना, डिफरेंस पे बात कर रहे हैं, लेमार्क और डार्विन के डिफरेंस के ऊपर, ओपिनियन के डिफरेंस पे समझना। लेमार्क क्या कहते थे कि लेमार्क कहते थे कि जो इनिशियल पॉपुलेशन था वो सारे शॉर्ट नेक्ड थे, जो जिराफ था उस जिराफ के अंदर जो इनिशियल पॉपुलेशन था वो इनिशियल पॉपुलेशन में सारे ऑर्गेनिज्म शॉर्ट नेक थे। उनको क्या हुआ कि जब वो स्मॉल प्लांट्स के ऊपर फीड करते थे, लेकिन जब प्लांट्स की हाइट बढ़ गई तो उनके प्लांट्स की हाइट की बढ़ने की वजह से उनकी फोरैगिंग भी जो है वो हाइट पे होने लगी और इस वजह से उनके नेक के साइज बढ़ने लगे और इस तरह से ये क्या हो गया, इनहेरिट हो गया और इनहेरिट होकर के ये आगे के जनरेशन में पास ऑन होने लगा और इस तरह से इवोल्यूशन होता गया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता गया। ये लेमार्क कहते थे, यानी लेमार्क के अकॉर्डिंग इनिशियली सारे के सारे जिराफ शॉर्ट नेक थे, आगे उनके ऑर्गन्स के ज्यादा यूज की वजह से ये इनहेरिट हो गया और इनहेरिट हो गया दूसरे जनरेशन में पास ऑन होने लगा और इस तरह से लेमार्क ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझा रहे थे। डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि जो जिराफ का इनिशियल पॉपुलेशन था उस इनिशियल पॉपुलेशन में कुछ शॉर्ट नेक जिराफ भी थे और कुछ लॉन्ग नेक जिराफ भी थे।
चीजें बदल रही थी, इन्वायरमेंट बदल रहा था, तो जो शॉर्टनेक जिराफ था उस शॉर्टनेक जिराफ को जो लॉन्ग प्लांट्स थे उनसे फोराजिंग जो थी उनसे उनको फूड प्रोवाइड नहीं हो रही थी, इसलिए नेचर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया और वो धीरे धीरे क्या होने लगे, प्रॉपर फूडिंग नहीं होने की वजह से वो खत्म होने लगे, मरने लग गए और एक्सटिंक्ट कर गए। और बच कौन गया उस पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन में जो लॉन्ग नेक्ड जिराफ थे वो नेचुरली सिलेक्ट हो गए, और नेचुरली सिलेक्ट हो गए उन्होंने अपने प्रोजेनीज को ज्यादा से ज्यादा बनाया और इसलिए उनकी पॉपुलेशन हम आज देख पाते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विच डार्विन वॉज एक्सप्लेनिंग। तो डार्विन और लैमार्क के बातों में कहां अंतर थी वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। क्लियर हो रहा है सबको? यहां तक बात क्लियर हुआ कि हाउ लैमार्क एंड डार्विन थिंग्स वॉज चेंजिंग, लैमार्क और डार्विन की बातों में कहां ये अलग चीजें नजर आ रही हैं वो आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, लैमार्क क्या कहते थे एंड व्हाट डार्विन इज एक्सप्लेनिंग, ये बात क्लियर हो गया सबको? यस, क्लियर हो गया। ओके, आशा ले सही क्लियर है। ओके गुड, जल्दी बता दो अगर क्लियर हो गया है। लैमार्क और डार्विन की कंपैरिजन जो मैंने अभी किया है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, तो जल्दी से जल्दी मुझे बता दें चैट बॉक्स के अंदर, थम्स अप दिखने चाहिए। यस यस, सबको समझ में आ गया। तो देखो मैं एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, यानी मैं कोई भी चीजें आपको स्किप नहीं करा रहा, मैं सारी चीजें करा रहा ताकि आपको ये इवोल्यूशन चैप्टर बहुत क्लियर हो सके। एनसीईआरटी के अंदर ये कंपैरिजन नहीं है, पर मैं कंपैरिजन लेके इसलिए आ रहा हूं ताकि जो मैं स्टोरी आपको सुनाना चाह रहा हूं वो एक सीक्वेंस में चलता जाए और आप इसको बिल्कुल याद कर लो, आपको फिर एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ डेटास के लिए याद रखने की जरूरत पड़े, ज्यादा ये चैप्टर में आपको तकलीफ ना हो, तो ये काम मैं आपके लिए कर रहा। ठीक है, तो समझ गए आप। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हमने बात कर ली थ्योरीज में, सबसे पहले लैमार्क के ऊपर बात किया, डार्विन के ऊपर बात किया, डार्विन और लैमार्क की बातों में क्या कंपैरिजन थी वो कर लिया हमने, एंड देन वी आर नाउ मूविंग टू द म्यूटेशन थ्योरी। यस, म्यूटेशन थ्योरी, बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्राइस ने दिया था। वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इट वॉज प्रपोज बाई ह्यूगो डी ब्राइस। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी को किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्राइस ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ओइनोथेरा लमार्कियाना, ओइनोथेरा लमार्कियाना, जिसको कॉमनली आप कहते हो इवनिंग प्रिमरोज, ये आपको फ्लावर नजर आ रहा है। तो जो आपके ह्यूगो डी ब्राइस थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस इवनिंग प्रिमरोज पे, और इस पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले जिसको हम म्यूटेशन थ्योरी के अंदर देखने जा रहे हैं, म्यूटेशन थ्योरी के फीचर्स में हम देखने जा रहे हैं। तो सबको चीजें क्लियर हो रही हैं? देखो पूरी बातें हमें यहाँ पे समझते चल जाना है, तो म्यूटेशन थ्योरी पे अब चलो पॉइंट्स देखते हैं। म्यूटेशन क्या कहता है? म्यूटेशन कहता है या डिसकंटिन्यूअस, म्यूटेशन कहता है जो वेरिएशंस हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं। देखो म्यूटेशन थ्योरी क्या कह रहा है कि म्यूटेशन थ्योरी कह रहा है कि जो वेरिएशंस हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर जनरेशन में वेरिएशंस नजर आएंगे, किसी जनरेशन में दिखेगा फिर दूसरे जनरेशन में स्किप भी कर सकता है और सडनली वो किसी और जनरेशन में अपीयर कर जाए। दिस वॉज वॉट म्यूटेशन थ्योरी वॉज टॉकिंग अबाउट, कि वेरिएशन डिसकंटिन्यूअस है। याद करो डार्विन कहते थे कि वेरिएशन कंटिन्यूअस है, तो डार्विन की बातों से म्यूटेशन थ्योरी जो है उसमें कहां कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है वो भी ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज म्यूटेशन क्या कहता है, म्यूटेशन क्या कहता था कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है जो कि रॉ मटेरियल, यानी इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा आपका म्यूटेशन। इस बात को समझना, डार्विन कहते थे कि जो इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएशन, जबकि म्यूटेशन थ्योरी क्या कहता है कि म्यूटेशन थ्योरी कहता है इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज म्यूटेशन, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। पहला पॉइंट ध्यान रखना आप सभी। नेक्स्ट, म्यूटेशन अपियर सडनली, आपको बताया कि ये क्या होते हैं, सडनली अपियर करते हैं और इनके जो इफेक्ट होते हैं ना उनमें टाइम नहीं लगता है, वो इमीडिएट इफेक्ट शो करता है। यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई जीन में म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन हुई तो तुरंत की तुरंत उसका इफेक्ट दिखाई देता है, इसलिए इसके जो इफेक्ट होते हैं वो इमीडिएट होते हैं और सडन अपियरेंस के साथ होते हैं। म्यूटेशन थ्योरी कहता है कि जो म्यूटेशन होते हैं वो लार्ज होते हैं, रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है डार्विन की बातों से। डार्विन कहते थे कि जो वेरिएशंस आते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल वेरिएशंस होते हैं, इसलिए हमें पॉपुलेशन में बहुत इजिली ऑब्जर्व नहीं होता है। डार्विन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में अभी भी इवोल्यूशन हो रही है, हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, पर ये इवोल्यूशन हमें नजर इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो वेरिएशन है वो बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि वो तुरंत इसके इफेक्ट हमें नजर नहीं आएंगे। जबकि म्यूटेशन थ्योरी क्या कहता था, जो ह्यूगो डी ब्राइस बता रहे थे कि जो आपके बॉडी के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है वो रैंडम है, वो फास्ट है और उसकी इफेक्ट आप इमीडिएटली देख लेते हो। ठीक है, तो दोनों की बातों में जो कॉन्ट्राडिक्शन थी उनको समझते चलना है। दूसरी बात, म्यूटेशन थ्योरी कहती है डायरेक्शन लेस है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, सडनली आ सकती है, डायरेक्शन लेस है,
जबकि डार्विन कहते थे कि वेरिएशंस जो होती हैं वो स्मॉल और डायरेक्शनल होती हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए देखते जा रहे हैं क्योंकि डार्विनिज्म के बाद म्यूटेशन थ्योरी आई थी और म्यूटेशन थ्योरी डार्विन की बातों से अलग बातें कर रहा था, पर क्या पूरी तरह से म्यूटेशन थ्योरी भी गलत थी ये बातें हमें समझना है, क्योंकि डार्विन की बातों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मिस्टेक थी। तो उन मिस्टेक को और म्यूटेशन थ्योरी की बातों को हमें समझ के चलना है कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ रही थी। नेक्स्ट, म्यूटेशन कैन अपियर इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, ठीक है, म्यूटेशंस इनहेरिटेबल होते हैं और ये बिल्कुल सही है। आगे चल के जब एक्सपेरिमेंट्स हुई थी ये बात क्लियर हो गई कि म्यूटेशंस इनहेरिटेबल होता है और इसी वजह से हमें म्यूटेशन थ्योरी को भी सही मानना पड़ा। पूरी बातों को हमने सही नहीं माना लेकिन उसकी कुछ फीचर्स थे जिसको हम सही मान रहे थे, जैसे ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही था कि म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है। जैसे आपने देखा हिरोशिमा नागासाकी केस के अंदर कि वहां पर क्या हुआ था कि हिरोशिमा नागासाकी में एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था और उस न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोड होने की वजह से आज भी जो म्यूटेशन है उनके जीन्स के अंदर है वो आज भी इनहेरिट हो रही है। तो म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है, ये पॉइंट सबको समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? ये बात क्लियर होगा कि म्यूटेशन क्या होता है, इनहेरिटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंंट देखो, शॉल्टेशन मुझसे पूछा था आपने, डी वराइस टर्म्ड सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, पूछा जाता है आपसे ये स्टेटमेंट किसका है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जीन्स में ऐसी सडन चेंज आ जाती है कि बहुत बड़ी इफेक्ट हमें नजर आ जाती है, यानी कभी कभी तो ऐसा होता है स्पीसीज ही बदल जाए, ठीक है। तो ये जो लार्ज चेंज आ रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं, सॉल्टेशन, जो कि बिल्कुल अलग बात थी किससे, डार्विन से। डार्विन क्या कहते थे, ग्रेजुअल चेंज है, समय के साथ ये चेंज होता जा रहा है, कोई सडन नहीं हो रहा है बल्कि एक कंटिन्यूअस पैटर्न में वेरिएशंस आ रहे हैं और उससे कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हो रही है। तो डार्विन की बातें और म्यूटेशन की थ्योरी में जो अंतर था वो भी आपको यहाँ पे समझना है, कंपैरिजन भी करना है। अब यहां से म्यूटेशन थ्योरी की जो बातें थी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है, ये बिल्कुल सही बात थी जिसे हमें मानना पड़ा। म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग म्यूटेशन इनहेरिटेबल था, इसको हमने माना। हमने ये भी माना कि म्यूटेशन तो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ये सडनली अपीयर करता है और इसलिए इसके इफेक्ट भी इमीडिएट दिखते हैं, पर ये इवोल्यूशन करा रहा था ये बात हमने वहां पर नहीं माना है। तो बात को समझना, म्यूटेशन की फीचर्स को तो मान रहे हैं पर म्यूटेशन की फीचर्स इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रही है इस बात को हमने वहां पर नहीं माना है, हमने नहीं समझा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि म्यूटेशन एक पार्ट है इवोल्यूशन का जहां पे सडन चेंजेस आ जाते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो रहा है यहां तक बात, यहां तक चीजें सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब चीजें बिल्कुल समझ में आ गई, ओके विजेंद्र सिंह क्रिस्टल क्लियर हो गया, गुड गुड। तो यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो मुझे जल्द से जल्द बता दो कि हाँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। यस, जल्दी बता दे मुझे कि हाँ यहां तक बातें क्लियर हो गई। विक्रांत, न्यू डार्विनिज्म के साइंटिस्ट के नाम आप बता रहे हो, ठीक है बिल्कुल, अभी लेकिन हमारी वो टॉपिक नहीं है, फिलहाल हमारी जो टॉपिक चल रही है म्यूटेशन थ्योरी, इसके ऊपर मुझे आंसर चाहिए आपके। म्यूटेशन थ्योरी सबको समझ में आ गया, व्हाट वाज म्यूटेशन थ्योरी? यस, क्रिस्टल क्लियर। पलक चौधरी सिंह, यकूब सिंह, यस समझ में आ गया। सॉल्टेटरी वेरिएशन क्या है? सॉल्टेटरी वेरिएशन मैंने बताया कि एक स्मॉल चेंज की वजह से जब लार्ज म्यूटेशन हो जाए तो उसे हम कह रहे हैं सॉल्टेटरी वेरिएशन। जैसे कि एक छोटा सा चेंज हुआ और उसकी वजह से क्या होगा, मींस लाइक एक स्मॉल स्टेप का कहने का मतलब, एक जनरेशन सडनली आई और उस सडनली जनरेशन के अंदर जीन्स के चेंजेस आई और वेरिएशन एक लार्ज दिखाई दिया, दैट इज नोन एज सॉल्टेटरी चेंज। यस सर, मैं अभय राज हूँ, ओके विजेंद्र सिंह अभय राज, ओके गुड। चलिए तो सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, प्लीज गिव आंसर टू द क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन आपके अभी दिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आप जल्दी से करें, मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो आपको बता दिया कि व्हाट इज द सॉल्टेटरी कंडक्शन, चलिए सबको बातें समझ में आ गई, क्लियर हो रही है, यहां तक दिक्कत किसी को नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो अब हमें बात करना था, यानी हमने अब तक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज पे बात किया। सबसे पहला थ्योरी लैमार्क ने दिया था, लैमार्क के बाद जो थ्योरी थी वो डार्विनिज्म की थी, डार्विन के बाद म्यूटेशन थ्योरी आया, कुछ गलतियां रही थी डार्विन के थ्योरी में, तो डार्विन की थ्योरी में जो गलतियां रही म्यूटेशन थ्योरी ने जो हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, इन सब के साथ बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे और इसके बाद एक थ्योरी आई, दैट इज द न्यू डार्विनिज्म, यानी कि डार्विनिज्म के बातों में जो बातें गलत थी उनको करेक्ट करने के लिए हमें एक नया थ्योरी देखने को मिला, दैट इज डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। यस, सबको समझ में आ गया, ओके। बायोमस्तम सिंह, की सॉल्टेशन को आप ऐसे समझो कि छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका, यस हाँ वैसा भी हम देख सकते हैं म्यूटेशन के अंदर की होता क्या है कि सडन अपियरेंस आ रही है तो हम इसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। यस गुड गोइंग। विच टाइप ऑफ जीन गेट हाईली प्रोन टू म्यूटेशन?
देखो म्यूटेशन के लिए कौन सी जीन हाईली ये रिस्पॉन्सिबल होती है म्यूटेशन के लिए, ये तो आपको समझना होगा जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पे हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के बारे में। तो म्यूटेशन जो होती है वो लगभग हमें जब देखते हैं तो वो रिसेसिव जीन्स के अंदर म्यूटेशंस को हम समझ के चलते हैं, क्योंकि हमें म्यूटेशन पॉपुलेशन में बहुत वाइड स्प्रेड नहीं दिखता है तो हम वहां पे रिसेसिव कंडीशंस को एड्रेस करते हैं। तो जब आप मेरे से जेनेटिक्स पढ़ रहे होगे वहां पे मैं आपको म्यूटेशन में ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा, सब चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। यस, सबको वहां पे चीजें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गया। चलिए तो न्यू डार्विनिज्म में अब हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है कि न्यू डार्विनिज्म जो है दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म क्या है, वो डार्विनिज्म का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी जो गलतियां डार्विनिज्म से हो गई थी उनको करेक्ट करने की पोस्टुलेट्स हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर चीजें दिख रही हैं। यस, पलक इज आस्किंग सर कैंसर फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं दिखता है। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके यहां पर आप पूछ रहे हो जबकि इनके चैप्टर्स अलग है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कैंसर फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस वक्त कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो प्रोसेस है जो आपके नॉर्मल सेल्स में होती है वो अभी स्मॉल स्केल पर है, अभी वो शुरू हुई है और यहाँ पर चीजें क्या हुई हैं कि लार्ज नहीं हुई हैं, यानी हमें बहुत वाइड स्प्रेड में नहीं दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम डिटेक्ट भी करते हैं लेकिन फर्स्ट स्टेज में थोड़ी सी उसे दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे चेंजेस जो है वो छोटी है, स्मॉल चेंजेस है और इसलिए उसको ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। यस, समझ में आ गया यहां तक बात। ओके, तो ये चीजें समझना। अब नाउ वन इज आस्किंग मी कि सर क्या कैंसर म्यूटेशन का एग्जांपल है। अब इस तरह से एग्जाम्पल आप पूछते चलोगे तो यहां पे हम कैंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि फिर न्यू डार्विनिज्म नहीं समझा पाएंगे। तो चलो मैं इसका भी आंसर कर दूं। देखो कैंसर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वहां पे बहुत सारे, लेकिन कुछ जीन्स भी जिनको हम ऑनको जीन्स कहते हैं वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो जब आपको पता है कि कैंसर के बहुत सारे कॉजेज हैं जिसमें सिगरेट स्मोकिंग भी आ सकता है, कुछ और भी कार्सिनोजेन प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकता है, तो फिर वहां पे हम ये कह ही नहीं सकते कि कैंसर म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, है ना। म्यूटेशन कैन बी अ कॉज, कैन बी अ कॉज, उनके बारे में हम बाद में करेंगे। सर जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब है, प्रत्युष इज आस्किंग एंड ही इज कंटिन्यूअसली आस्किंग दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट। बिल्कुल थोड़ा सा तो ये पेशेंस रख लो, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट तो हम अब बात करेंगे ना जब न्यू डार्विनिज्म पे बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो आप बस सेशन में बने रहो। आप जब जेनेटिक ड्रिफ्ट में समझाऊं उस वक्त आप समझने के बाद मुझे बताना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आया या नहीं आया, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बिल्कुल बता दूंगा आप सभी को। यस, सबको समझ में आ गया। यस, सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन बाद में पूछना, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन तब पूछो जब वो चैप्टर्स चल रहे हैं, क्योंकि तब आपको उसका आंसर मिलता है, बिकॉज यू आर ऑन द लिंक, आप उस चीजों को कंटिन्यूटी में हो। अभी मैं बताऊं तो कुछ बच्चे तो समझ जाएंगे, कुछ बच्चों को वो बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि उनका वो डाउट है नहीं। तो आप इस बात को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, ताकि हमें चीजें बहुत क्लियरली समझ में आए, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग, नो वी आर अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर नीट एग्जामिनेशन। तो नीट के लिए हमें क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बनाना है, तो ये काम करना हमें जरूरी है। चलिए, सबको ये बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सबको, गुड गोइंग। ओके, तो चलिए न्यू डार्विनिज्म पे हम लोग बात कर रहे थे। तो न्यू डार्विनिज्म क्या है, डार्विनिज्म का ही मॉडिफिकेशन है और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, जैसे विस्मैन। पूछा जाता है ये कि न्यू डार्विनिज्म में कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो न्यू डार्विनिज्म में विस्मैन थे, मेंडल है ना जेनेटिक्स के ऊपर जिन्होंने काम किया था, डी ब्रायस म्यूटेशन पे जिन्होंने काम किया था, हक्सले, गेट्स एंड स्टेबियंस, ये सारे साइंटिस्ट वहां पे इन्वॉल्व थे न्यू डार्विनिज्म के अंदर। तो न्यू डार्विनिज्म में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद भी रखना है हु आर द साइंटिस्ट, विस्मैन वाज देयर, मेंडल वाज देयर, डी ब्रायस, हक्सले, गेट्स एंड स्टेबियंस, और भी बहुत सारे थे पर ये नाम इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, सबको समझ में आ गया कि यहां पर क्या है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द सैलियंट फीचर्स ऑफ न्यू डार्विनिज्म। देखो क्या क्या न्यू डार्विनिज्म में था, देखो डार्विन ने भी वो बातें की थी पर यहाँ पे न्यू डार्विनिज्म ने उनकी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ज्यादा प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश किया। तो उन्होंने क्या कहा, जो आपके डार्विनिज्म थे, न्यू डार्विनिज्म थे, उसके जो साइलेंट फीचर्स थे, जो नए फीचर्स आए थे उसमें क्या क्या थे कि एक तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन, जिसके बारे में डार्विन भी कह रहे थे कि ज्योमेट्रिकल रेशियो से चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ती हैं। ज्योमेट्रिकल रेशियो आपको मैंने बताया था कि अगर पहली पॉपुलेशन 2^1 पे है तो दूसरी 2^2 हो जाएगी, 2^3, 2^4, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रेशियो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा चेंज देख रहे हैं, 2 से 4 हो गया, 4 से क्या हो गया 8 हो गया, 8 से क्या हो गया 16 हो गया, और इस तरह से नंबर्स बढ़ेंगे तो एक रैपिड पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड फूड सप्लाई, ये भी बात आपको याद आ जाना चाहिए कि पॉपुलेशन जब इतना बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इस पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ही क्या आएगा,
कंपटीशन आएगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ फूड लिमिटेड है हमारे पास और इस वजह से स्ट्रगल होगी एग्जिस्टेंस के लिए। मैंने आपको इसके बारे में एग्जांपल दे रखा था, आपको समझा रखा है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो उसको पाने के लिए एग्जिस्टेंस के लिए क्या होने लगेगा, स्ट्रगल आने लगेगा। उसके लिए लोगों आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी और फिर जो ज्यादा कैपेबल होगा उसे क्या होगा, उसे चीजें मिलेंगी और वो उस हिसाब से नेचुरली सिलेक्ट होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ब्रिज था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और नेचुरल सिलेक्शन के बीच में एक ब्रिज था। ब्रिज क्या था कि नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट होने के लिए जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस थी वहां पे क्या हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं। नेचर उसे सिलेक्ट करेगा जो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कराने की कैपेबिलिटी रखेगा। और चेंज तभी तो आएगा ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब उसके जीन के अंदर चेंजेस आएंगी, यानी उसके जीन के अंदर वेरिएशन आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस। तो ये था जेनेटिक वेरिएशन। अब ये जेनेटिक वेरिएशन किन कारणों से आ रहा था उन्हें हम डिटेल में यहां पढ़ेंगे। डार्विनिज्म की जो बातें थी वो हमने फीचर्स में देख रहे हैं कि न्यू डार्विनिज्म भी उन बातों को कर रहा है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से हमें नेचुरल सिलेक्शन पे जाना है, तो उस बीच के दौरान इनके जीन्स में वेरिएशन आएगा, दैट इज नोन एज जेनेटिक वेरिएशन। और ये जेनेटिक वेरिएशन किन कारणों से आता है वन बाय वन हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। सब बिल्कुल रेडी हो? यस, जल्दी बता दीजिए आप सभी, जल्दी बता दो। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? कंपटीशन लाइक इन नीट? यस अशल, कंपटीशन नीट की तरह ही है, क्योंकि नीट में लिमिटेड सीट्स हैं और उसके लिए आपको बहुत कट टू थ्रॉट कंपटीशन करनी पड़ती है, तो उसमें वही सिलेक्ट हो पाते हैं जो बदलते हुए पैटर्न ऑफ एग्जाम के साथ खुद को भी चेंज करते हैं बदलते हुए कंडीशन। जैसे इस वक्त आप सबको पता है कि कोविड की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको एजुकेशन ऑनलाइन मिल रही है, तो इस ऑनलाइन एजुकेशन में जो प्रॉपर तरीके से उसको अडेप्ट कर लेंगे दे विल बी सिलेक्टेड इन द नीट एग्जामिनेशन। यस, सबको चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया? गुड गुड गुड, यस। चलिए, तो जब चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर लाइक भी सेशन को करते जाओ, सेशन को जरूर लाइक करें। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं वो, जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो लाइक भी करते रहें। चलिए, तो ये बातें आप समझ गए कि दे आर इनहेरिटेबल वेरिएशंस। आप सभी को पता है कि जेनेटिक वेरिएशंस जीन से रिलेटेड है, आपने जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ रखा है पहले भी। तो ये सारे कैसे वेरिएशन होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। अब एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट गैमीट्स आएंगे और दो डिफरेंट गैमीट्स दो डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप्स के साथ होते हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस के साथ होते हैं। जब ये आपस में आकर के मेट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो एक फॉर्मेशन होती है यूनिसेलुलर जायगोट्स की। तो ये जो फ्यूजन होती है, इस फ्यूजन के दौरान क्या हो रहा है, इस फ्यूजन के दौरान जीन्स रिकम्बाइन कर रही हैं। जब जीन्स रिकम्बाइन करेंगी तो एक नया वेरिएशन फॉर्म करेगा। तो यहां पर भी हम जेनेटिक वेरिएशन देख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द जीन रिकॉम्बिनेशन। डिटेल में आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो तो जेनेटिक्स के अंदर आपको ये बात पता है कि किस तरीके से होती है। म्यूटेशन भी जीन में वेरिएशन लेकर के आता है। हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि मान लो किसी जीन्स में किसी तरह का कोई सडन चेंज आ गया है, उसके एलील में किसी तरह का चेंज आ गया है, तो देन दैट इज अ म्यूटेशन, सडन चेंज है, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन कह रहे हैं। इस म्यूटेशन की वजह से भी क्या होगा, वेरिएशन आएगा। म्यूटेशन की वजह से भी क्या हो गया, वेरिएशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम आपस में मिक्स करेंगे, तो जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपस में मिक्स करेंगे तो हम एक हाइब्रिड बनाएंगे, एक हाइब्रिड प्रोजेनी बनाएंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी क्या कर रहा है, वेरिएशन को लेके आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो रीजन फॉर जेनेटिक वेरिएशन। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, क्या होता है इसका मतलब, देखो जैसे ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये एक दूसरा पॉपुलेशन है। यहाँ पर आपको पता है इस पॉपुलेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, ये सारे ऑर्गेनिजम्स थे। अब ये ऑर्गेनिजम्स मूव करके दूसरे पॉपुलेशन की तरफ चले गए, ठीक है, किसी तरह का ये माइग्रेशन था। जैसे मान लो आप सभी अपने शहर में हो, अपने शहर में रहने के बाद आपको जॉब जब करना था तो जॉब करने के लिए आपको आपके शहर में जॉब मिल नहीं रहा है, तो आप क्या किए, माइग्रेट करके दूसरे तरफ। तो जो नए जगह पे आप जाओगे वहां पहले से ही उनका पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है, और आप वहां पे एंटर कर रहे हो, तो आपकी एंट्री की वजह से, आप ग्रीन पॉपुलेशन वाले थे, आपने ब्लू पॉपुलेशन में एंट्री किया है, तो आपके एंट्री करने की वजह से क्या हो गया, जीन माइग्रेट कर गया, आपका जो जीन था वो माइग्रेट कर गया, जीन फ्लो हो गया, इसी को हम कह रहे हैं जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। अब जब आप यहां माइग्रेट किए तो यहां पे माइग्रेट करने के बाद आप इस पॉपुलेशन में आ गए, और इस पॉपुलेशन में आने के बाद आप यहीं पर सर्वाइव कर रहे हो, तो आपके जीन के अंदर भी तो चेंजेस आएंगे, जीन वैरी करेगा, क्योंकि आपको इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है, तो आपकी जीन में यहां भी क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। तो जीन वेरिएशन का एक कारण जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो भी हो सकता है।
समझ रहे हो आप सभी। तो ये माइग्रेशन हुआ, ये जीन फ्लो हुआ और जिसकी वजह से चीजें चेंज हुई, चीजें क्लियर हो गई। ओके, हाइब्रिडाइजेशन फिर से समझाएं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आप सभी को पता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप लाते हो और उन दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को जब आप मिक्स कराते हो तो एक हाइब्रिड कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे आपने क्या किया, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को ला करके चीजों को मिक्स कराया और मिक्स करा के वहां पर एक नया हाइब्रिड बना, एक नया जनरेशन बना। तो आपने वहां पर जीन की वेरिएशन ही तो कराई, जीन वेरी ही तो कर रहा है, तभी तो नए ऑर्गेनिज्म वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया चेंज करना जीन फ्लो है, मेनी टाइम्स माइग्रेशन, यस, जब ये बार बार हो रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया कि जब इस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो बेसिकली जीन फ्लो हो रहा है और इसी तरह से जीन माइग्रेट कर जाएगा और जीन माइग्रेशन हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई, म्यूटेशन नहीं समझे, म्यूटेशन व्हाट यू आर आस्किंग, मैच्यूरेशन और म्यूटेशन, म्यूटेशन से डीएनए चेंज होता है क्या? बिल्कुल, म्यूटेशन से आपकी जो भी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स आएंगे वो आपने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ रखा है कि डीएनए ही आपकी वो जेनेटिक मटेरियल है। तो जब चीजों में चेंज आएंगी तो वो उस तरीके से वहां पे वेरिएशन को लेके आएगा। अब फिर वही बात है कि आप मुझसे यहां पर डीएनए और म्यूटेशन की पूरी थ्योरी समझना चाहोगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में हम म्यूटेशन नहीं समझना चाहते, हम म्यूटेशन के इफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूटेशन मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो वो मैं समझाऊंगा आपको जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ाऊंगा। जब आपको ये सारे इनहेरिटेंस पैटर्न समझने हो तो वो जेनेटिक्स के अंदर समझते हैं। तो हर एक चैप्टर का अपना वेटेज है, हर एक चैप्टर की अपनी एक्सप्लेनेशन है जो एस इट इज हम वहां पर देखते हैं, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान रखो। तो आपके जो क्वेरीज बन रहे हैं ना, उन क्वेरीज को थोड़ा सा आप समझ के चलो कि वो किस चैप्टर से रिलेटेड है। जब उस चैप्टर में आए, उस चैप्टर में जरूर अपने उस क्वेरीज को आप पोस्ट करें और समझें उन चीजों को। चलिए, वेरी गुड। जीन रिकॉम्बिनेशन, सब जीन रिकॉम्बिनेशन आपको बता रखा है। जीन यहाँ पे आप सबके साथ, यानी कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने जेनेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ रखा है और मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो बन रहा है ना, जो भी डाउट्स बन रहा है वो उन्हीं दोनों चैप्टर से बन रहे हैं। हम इवोल्यूशन में इनके डेफिनेशंस को बस ओवर लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम इनके इफेक्ट को पढ़ेंगे, हम कंप्लीट इनके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। तो देखो, मैं एक बार फिर बता देता हूँ जीन रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। आपको पता है कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो गैमिट्स आते हैं, ये आपस में फ्यूज करते हैं। इनके फ्यूजन के दौरान क्या हो रहा है, गैमिट के अंदर जीन्स हैं और ये जीन्स आपस में आकर के रिकम्बाइन कर रहे हैं, तभी तो एक जायगोट जो बनता है उसके अंदर मैटर्नल कैरेक्टर भी दिखाई देता है और पैटर्नल कैरेक्टर भी दिखाई देता है, माँ और बाप दोनों के कैरेक्टर्स नजर आते हैं। तो वो उस तरह के कंडीशंस को हम कह रहे हैं कि वहां पे जीन रिकम्बाइन कर गया है। समझ में आ गया, चला ये चलो। अभिषेक सिंह, यस सर, नहीं पढ़ा है मैंने जेनेटिक्स, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम यूट्यूब के सेशंस में जेनेटिक्स वगैरह सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने बता रखा है कि जब आपको सेशन ओवर होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कौन सी नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, और सेशन को तो लाइक भी करना है अगर आपको सेशन समझ में आता है तो। चलिए, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। तो जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये समझ में आप सबको आ जाना चाहिए कि जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो क्या है। अब हमें बात करना है जेनेटिक ड्रिफ्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है, इसको समझना हमें बहुत डिटेल में समझना है। बट आज टाइम की लिमिटेशन भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अब टाइम आपका ओवर हो गया, क्योंकि आज आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए बीच में जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वरना आज हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को जरूर समझते हैं, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाह रहा जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि अगर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जबकि मुझे इसके अंदर फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट दोनों बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझाना है, और बहुत मजेदार तरीके से हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझेंगे। आपको इतनी सही तरीके से मैं उसे क्लियर करूंगा कि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, आप समझ जाओगे जेनेटिक ड्रिफ्ट से कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे नेचुरल सिलेक्शन को समझाती है, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में कुछ ये डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को हम कैसे लिंक करेंगे वो हम इस टॉपिक के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिलहाल आपको जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो आज नहीं समझा पाऊंगा, बिकॉज टाइम आपकी ओवर हो रही है, इट इज नाउ 2:00। तो आज के क्लास में हम इसको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन यानी कल के सेशन में हम आएंगे तो हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी समझेंगे, नेचुरल सिलेक्शन भी समझेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके आते जाएंगे, जैसे हार्डी विंगबर्ड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, हार्डी विंगबर्ड लॉ को भी हम समझेंगे। तो कल के क्लास में आप सबको सेशन में बिल्कुल टाइम पर आ जाना है, ठीक है। तो सेशन पे आप टाइम पे आ जाओगे और वहां से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कल का सेशन भी आप सभी को पता है टाइमिंग क्या है, चैट बॉक्स में मुझे बता दो आप सभी, व्हाट इज द योर टाइम टू अटेंड द क्लास, यस टाइम क्या है क्लास को अटेंड करने का, जल्दी से बता दे मुझे,
क्योंकि मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट आज नहीं इसलिए स्टार्ट कर रहा बिकॉज टाइम इज नॉट देयर, तो हम लोग करेंगे इसके पे बात, बहुत डिटेल में करना है मैं बात। यस थैंक यू फॉर सच अमेजिंग क्लास, थैंक्स फॉर दैट अमेजिंग लेक्चर, ओके थैंक यू। तो ये सारी चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अप्रिशिएट करा करें, चैट बॉक्स में तो आप अप्रिशिएट करते ही हैं, जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी अप्रिशिएट करें ताकि हमें नेक्स्ट सेशन करने में और ज्यादा मजा आए। और सेशन को शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि जो जो आपके फ्रेंड्स सेशन को नहीं देख पा रहे हैं वो भी सेशन में आए, और ऑन द टाइम हम अगर एक साथ सेशन को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा सेशन करने में। यस 1 to 2 PM, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1 to 2 PM, यस यस यस, 1 बजे सेशन स्टार्ट होता है, गुड गुड गुड। तो यानी आप सबको सेशन का टाइमिंग बिल्कुल पता है और सेशन का टाइम पता है और इस समय आपको आ जाना है। इवोल्यूशन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लासरूम के अंदर जिस तरीके से चीजों को समझते हैं वो हम ऑनलाइन एजुकेशन के मीडियम के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि आप बोर्ड्स में जब बैठोगे एग्जाम देने के लिए या फिर आप नीट की पेपर जब दोगे तो दोनों ही जगहों पे आपको इनसे क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से समझा पाओगे। मानस इज आस्किंग व्हेन मेंटी, मेंटी बिल्कुल मेंटी होगा, चैप्टर लगभग कंप्लीशन पे है, ठीक है, तो 1-2 लेक्चर्स में चैप्टर्स को मैं कंप्लीट भी करूंगा, तो 1 लेक्चर्स एक्स्ट्रा ही रख लो, क्योंकि अगर मान लो कि 2 लेक्चर्स में नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल बी हैविंग मेंटी। तो मेंटी के लिए भी सबको रेडी हो जाना है, अपने सारे फ्रेंड्स को सेशन को शेयर कर देना है क्योंकि हम वहां पे मेंटी भी देखेंगे। चलिए थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू ऑल आर गिविंग टू मी। तो आपके लव और सपोर्ट इसी तरह से मिलते रहने चाहिए ताकि हम सेशन को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। यस गुड गुड, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू ओके।